हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेक टेस्टी एवरीडे। आज मैं आपको कटहल के सब्जी की रेसिपी बताऊंगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने कटहल कट करके धो लिए हैं और अब मैं उन्हें डीप फ्राई करने के लिए चढ़ाऊँगी। तो यहाँ आप सब्जी का कलर देख सकते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और ऐसे ही बनाइएगा। तो यहाँ मैंने कटहल को डीप फ्राई होने के लिए रख दिया है और ये कटहल हमारे फ्राई हो रहे हैं। और यहाँ मैंने कुछ सोयाबीन को भिगो के रख दिया था जो कि अब अच्छे से फूल चुके हैं और उन्हें निकाल लिया है। तो कटहल को फ्राई करने में हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तब तक हम अपने इंग्रेडिएंट्स को चॉप कर लेते हैं। यहाँ 3 प्याज, 2 गाँठ लहसुन, 3 से 4 हरी मिर्च और 1 इंच के करीब अदरक, लहसुन मिर्च और अदरक इन सबको हम एक में चॉप करेंगे एक साथ। तो ये हमारा चॉप हो चुका है। हम चॉप करेंगे प्याज, तो सारे प्याज को एक साथ हम चॉप कर लेंगे। और अगर आप मिक्सी हो तो आप मिक्सी में पेस्ट बनाएं। तो यहाँ हमारे कटहल डीप फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। और फिर इसी ऑयल में हम डीप फ्राई करेंगे सोयाबीन जो हमने भिगो के रख लिए थे। तो ये भी हमारे अच्छे से हो चुके हैं, ये जल्दी हो जाते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फिर हम इन्हें भी निकाल लेंगे। तो फिर ये हमारे सब डीप फ्राई हो चुके हैं, अब हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होगा हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले जीरा। जीरा जैसे ही हमारे हल्के से चिटक जाएंगे हम इसमें ऐड करेंगे तेज़पत्ता। तो 2 से 3 पत्ती हमें इसमें ऐड करनी है। तो 10 से 5 सेकेंड बाद लहसुन मिर्च अदरक का जो हमने पेस्ट बनाया था या फिर जो हमने चॉप किया था हम उसमें वो ऐड करेंगे। फिर उसको अच्छे से भूनेंगे। फिर जैसे ही हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा हम इसमें ऐड करेंगे चॉप की हुई प्याज। तो हम अपने प्याज का वेट करेंगे, जैसे ही हमारी प्याज हल्की सी गोल्डन एंड ब्राउन हो जाएगी हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। अब कोई भी सब्जी मसाला ऐड कर सकते हैं जो भी आप खाते हैं, बस थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि कटहल में थोड़ा ज़्यादा मसाला लगता है। फिर हम इसमें पानी डाल के पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। तब तक पकाएंगे जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो यहाँ ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे डीप फ्राई किए हुए कटहल और सोयाबीन। इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको ऐसा ही पसंद है तो पानी ना डालें, ऐसे ही बनाएं। और अगर आपको थोड़ी ग्रेवी पसंद है तो पानी ऐड करें। तो यहाँ मैंने पानी ऐड करके उसमें नमक ऐड कर दिया है और मिक्स कर दिया है। अब हम इन्हें हाई फ्लेम पे ढक के पकाएंगे जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए। तो यहाँ उबाल आ चुका है, अब हम गैस को मीडियम कर देंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। जब ऑयल ऊपर दिखने लगे तो समझ लीजिए आपकी सब्ज़ी पक चुकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हल्का हल्का ऑयल आना शुरू हो गया है। तो देख लीजिए हमारा सारा ऑयल ऊपर आ चुका है, इट मींस आपकी सब्ज़ी रेडी है खाने के लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पत्ती जो मैंने कट करके पहले ही रख ली थी। तो देख लीजिए फाइनल लुक इसका ऐसा है। तो यहाँ मैंने धनिया पत्ती ऐड कर दी है। धनिया पत्ती ऐड करने के बाद हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो गाइज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।